कंटिन्यू कर रहे हैं और ये फिफ्थ पार्ट होगा इसका। और इससे पहले चार पार्ट आ चुके हैं जिसमें बहुत सारे सब पार्ट हैं, ए बी सी डी करके। ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो हम स्टार्टअप कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, पहली जो न्यूज़ है वो है गैस लीक एट वाइजैक। तो विशाखापट्टनम में लास्ट ईयर स्टायरीन गैस लीक हुई थी, जो कि बहुत बड़ा इवेंट था। और ये विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हुआ था, जिसकी वजह से मल्टीपल डेथ्स हुई थी। और ये एक इशू था इंडस्ट्रियल डिजास्टर कंट्री में। स्टायरीन गैस के बारे में समझ लेते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मैन्युफैक्चर होता है पॉलीमर्स, प्लास्टिक या रेजिन्स। मैन्युफैक्चर होता है पेट्रोल केमिकल रिफाइनरीज में। ये एक्चुअली कलरलेस लिक्विड है और ये गैस नहीं होता। अगर बात करो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज और इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989, स्टायरिन क्लासिफाइड है हजार्डस और टॉक्सिक केमिकल। अनस्टेबल है, हाई प्रोपेंसिटी है इसमें ऑटो पॉलीमराइजेशन, और इसका मतलब ये है कि ये कंबाइन होती है अपने साथ ही और एक लॉन्ग चेन बनाती है, स्पेशली अगर ये 65 डिग्री से ऊपर है सेल्सियस से। इसके अलावा ये प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है और ये अनकंट्रोलेबल हो सकती है, जिसकी वजह से जो स्टायरीन है स्टोर होती है रिलेटिवली लो टेम्परेचर में, 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक। डेंजर्स क्या है? पहला है ये कैरोजेनिक सब्सटेंस है, सेकेंड है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जो एयर में और उसको म्यूटेट करके स्टायरीन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि बहुत लीथल है। थर्ड है एक्यूट, मतलब इसका, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक्सपोज अगर होता है स्टायरीन के साथ तो उससे क्या होता है, म्यूकस मैम्ब्रेन जैसी चीज़ें होती हैं और आई इरिटेशन होती है, गैस्ट्रो इंसेंटिनल इफेक्ट्स आते हैं। क्रॉनिक की बात करें, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से इम्पैक्ट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जिसकी वजह से हेडेक और फटीग आती है। अगर जो स्टायरिन गैस बियॉन्ड 800 PPM चले जाता है तो पर्सन को कोमा भी हो सकता है, तो ये बहुत डेंजरस है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ रहे सारी चीज़ें। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं, लार्ज स्केल एनवायरमेंटल पोल्यूशन होते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं और किलिंग्स होती हैं, लोगों की इंजरी आती हैं और बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती है। लीगल प्रोविजन समझ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स से रिलेटेड। तो पहला है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 1986, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। ये डिस्चार्ज करता है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, सोर्स स्टैंडर्ड्स फॉर रिस्ट्रिक्टिंग पोल्यूशन। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स जो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के, एम्बिएंट एयर वाटर स्टैंडर्ड्स, और रेगुलेट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसके अलावा हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 1989 का ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडस्ट्री रिक्वायर्ड है कि उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेजर एक्सीडेंट हजार्डस, और उनको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे और उनको रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी अथॉरिटीज़ को। उसी साल में यही सेम एक्ट आया था, मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल्स रूल्स 1989। इसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेड फर्निश कंप्लीट प्रोडक्ट सेफ्टी इंफॉर्मेशन है वो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी को सबमिट करनी पड़ती है, और जो ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेड केमिकल्स हैं वो रूल्स के हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है 1996 का केमिकल्स एक्सीडेंट एमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स रूल्स। सेंटर ने रिक्वायर्ड है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे एक सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप, जो कि मैनेज करे केमिकल एक्सीडेंट्स को और एक क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो क्राइसिस अलर्ट सिस्टम पे है। हर स्टेट रिक्वायर्ड है कि वो सेटअप करे क्राइसिस ग्रुप और वो रिपोर्ट करे इस वर्क के ऊपर। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड रिस्क स्कोप जैसी चीज़ें आई थी, जिसमें बात करता है 1987 का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो एक्सटेंड करता है स्कोप ऑफ रिस्क फ्रॉम हैजार्डस इंडस्ट्री। नैरोली डिफाइंड है स्कोप, कवर करता है वर्कर्स को, और जो प्रमाइस है वो फैक्ट्री का वो एक्सटेंड है जनरल पब्लिक का, अब आइसनिटी जो फैक्ट्री का है।
नेक्स्ट है वो है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1999 और 1991 सॉरी, ये इम्पोज करता है नो फॉल्ट लायबिलिटी जो कि बात करता है ऑन द ओनर ऑफ हजार्डस सस्पेंस, और ये रिक्वायर्ड है ओनर की कॉम्पनसेट करे विक्टिम्स को एक्सीडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी नेग्लिजेंस है या डिफॉल्ट है। इसके हिसाब से ही जो ओनर है रिक्वायर्ड है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करता है पोटेंशियल लायबिलिटी करता है फ्रॉम एनी एक्सीडेंट। एनजीटी की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो सेटअप हुआ था एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2010 में, और ये प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी, जिसका मतलब है कंपनी विल लायबल, कंपनी लायबल होगी अगर उनने कुछ भी करा हो, ठीक है, और अगर उन्हें चाहे कितनी भी कोशिश करी हो तब भी वो लायबल रहेगी। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है NDMA गाइडलाइन ऑन केमिकल डिजास्टर 2007। ये इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है, ये प्रोएक्टिव पार्टिसिपेटरी मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है, वेरियस लेवल्स पे होती है केमिकल डिजास्टर प्रिपेयरनेस। गाइडलाइंस जो है प्रिपेयर हुई थी, प्रोवाइड करती है डायरेक्शन मिनिस्टर्स को, डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज और जितने भी चीज़ें हैं वो बात करते हैं। गाइडलाइंस जो है इसमें 7 चैप्टर में डिस्कस करते हैं वेरियस एक्सपर्ट्स, जैसे एग्जिस्टिंग गैप्स हो गया, मैनेजमेंट, केमिकल एक्सीडेंट हो गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया, प्रिपेयरनेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डस केमिकल्स। इसके अलावा रिलेटेड न्यूज़ में बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वर्सेज एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और ये एट फर्स्ट NGT ने इन्वोक कराया प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो इम्पोज करता है फाइन इस पे आपका LG पॉलीमर्स इंडिया फॉर वाइजैक गैस लीक, ठीक है, जो कि टर्म होता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। NGT ने बाद में एब्सोल्यूट लायबिलिटी कर दिया था फॉर द लॉस ऑफ पीपल जो हुए थे, लॉस ऑफ लाइफ हुए थे इस इंसिडेंट के बाद। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या चीज़ है, ठीक है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो डॉक्ट्राइन है वो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था जब MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, जिसको ओलियम गैस लीक भी बोला जाता है, 1986 का केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। MG मेहता इन्वायरमेंटल लॉयर है, बहुत बड़े लॉयर है और बड़े सारे इन्वायरमेंट के केस लड़े हैं, तो ये नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स, जिनने लॉ पढ़ा है तो उनको तो पता ही होगा MC मेहता के बारे में। अगर इस डॉक्ट्राइन की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करी है एंटरप्राइज जो एब्सोल्यूट और नॉन डेलीगेबल ड्यूटी है कम्युनिटी, ताकि वो इंश्योर करे नो हार्म रिजल्ट किसी को भी ऑन द अकाउंट ऑफ हजार्डस या इनहेरेंटली डेंजरस नेचर किसी भी एक्टिविटी का जो हुआ हुआ। इसके अलावा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला प्रिंसिपल 1986 से पहले लागू होता था, बट उसके बाद 1986 के बाद जब एब्सोल्यूट लायबिलिटी आया तो इस प्रिंसिपल को ज़्यादा देखा गया। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है इंडिया फॉलो करता था जब तक MC मेहता का केस नहीं हुआ। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि पार्टी लायबल नहीं है और वो कंपनसेट नहीं करेगी अगर हजार्डस सब्सटेंस किसी भी तरह से एक्ट ऑफ गॉड हो, या मतलब वो बच सकते हैं बेसिकली अगर मान लो वो प्रूफ कर दे कोर्ट में कि ये जो हजार सब्सटेंस है वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से आ गया, मतलब कोई डिजास्टर आ गया या लैंडस्लाइड आ गई, तो उस केस में ये लोग कंपनसेट नहीं करेंगे इंडस्ट्री। पर इवेंचुअली प्रिंसिपल बाद में बदल के, मतलब बाद में जब 1986 का केस हुआ था एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, उसके बाद ये प्रिंसिपल फॉलो हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपका 5.2 पे साइक्लोन वार्मिंग सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रिसेंटली इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनाउंस करा एक डायनेमिक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्मिंग सिस्टम। वार्निंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि पहले इंडिया में कैसा होता है साइक्लोन का। यहाँ पे करंटली साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो है वो एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं जो कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई साइक्लोन वार्मिंग सेंटर, वार्निंग सेंटर जो है वो भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और अहमदाबाद में है। IMD एक नोडल एजेंसी है जो प्रोवाइड करती है साइक्लोन
वार्निंग सिस्टम जो है और सर्विसेज जो है बड़ी सारी कम्युनिकेट करती हैं ये कम्युनिटीज़ को और जितने भी इफेक्टिव एरियाज हैं। यहाँ पे वार्निंग जो है इशू कर जाती है स्टेट गवर्नमेंट को चार स्टेजेस पे। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेजेस है, जब भी मान लो कोई भी साइक्लोन आ रहा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसे इशू करती है। पहला है प्री साइक्लोन वॉच, ये इशू करती है 72 आवर्स इन एडवांस, जो कि अर्ली वार्निंग बताता है डेवलपमेंट ऑफ कोई भी साइक्लोन डिस्टर्बेंस। सेकंड है साइक्लोन अलर्ट, जिसमें ये इशू करते हैं 48 आवर्स से पहले और एडवांस में बताते हैं इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे आएगा, कितना स्टॉर्म बड़ा होगा। उसके बाद आता है साइक्लोन वार्निंग, जो उसमें 24 आवर्स में इन्फॉर्म करा जाता है बड़े सारे एक्सपेक्टेड कमेंसमेंट कि कहाँ पे होगा। और लास्ट है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, लैंडफॉल का मतलब है जब साइक्लोन बरस जाता है, मतलब 12 घंटे या उससे एडवांस में कोई भी एक्सपेक्टेड टाइम पे जब लैंडफॉल होने वाली होती है। इसके अलावा इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम क्या है इसको हम समझ लेते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कंबाइंड विद जियो स्पाशल और पॉपुलेशन डेटा असेस करता है इम्पैक्ट किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे। नया सिस्टम जो लोकेट करता है डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक टेलर्ड वार्निंग, जो फैक्टर होती है लोकल पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटलमेंट, लैंड यूज़ और बड़े सारे एलिमेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं, डिसमिनेट करते हैं। ये एम करता है रिड्यूस करता है डैमेज और इकोनॉमिक लॉसेस प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को। जितनी भी डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज होती है वो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कैटोग्राफिक, जोग्राफिक और हाइड्रोलॉजिकल डेटा को जो अवेलेबल है वो डिस्ट्रिक्ट कंसर्न में आती है। IMD एक पार्टनर करता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम और बड़े सारे रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। IBF की बात कर लेते हैं, इम्पैक्ट बेस्ड फॉरकास्टिंग। IBF इनेबल करता है एंटीसिपेटरी एक्शन, रेवोल्यूशनाइज करता है रिस्पॉन्सेज टू वेदर एंड क्लाइमेट क्राइसिस, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन लेवल ऑफ रिस्क हजार्ड पोजेस्ड टू स्पेसिफिक एरिया। इसके अलावा IBF असेस करता है इम्पैक्ट जो फोरकास्टर्स क्लाइमेट पे होती है और वेदर फिनोमेना पे होती है, जो कंसीडर करते हैं वार्निंग सिस्टम जो कि बेस्ड होती है लेवल एंड सिवियरिटी जो उनके इम्पैक्ट पे रहती है, पर्टिकुलर लोकेशन में होती है और जितने भी टारगेटेड यूज़र या ग्रुप होते हैं। प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन जो कि एक्ट करती है बिफोर डिजास्टर ताकि वो मिनिमाइज करे सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट वेदर या क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट हैजार्ड का। IBF डिफरेंट होते हैं नॉर्मल फोरकास्ट से, ये समझ लेते हैं। हजार्ड क्या होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, फोरकास्ट का मतलब है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन कैटेगरी थर्ड विंड शीट पे होते हैं जिसके 125 किलोमीटर पर आवर होते हैं और ये एक्सपेक्ट होते हैं 48 आवर्स पे। IBF इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पब्लिक का ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कैटेगरी है 3, विंड स्पीड होती है 125 किलोमीटर पर आवर, एक्सपेक्ट होते हैं लैंडफॉल 12 घंटे में, एक्स और वाई रीजन में होते हैं और लाइकली डैमेज करते हैं क्रिटिकल सेक्टर्स पे जैसे ब्रिजेस हो गया, ब्लॉक ट्रांसपोर्ट हो गया फ्रॉम रीजन एक्स टू रीजन वाई। IMD की बात कर लेते हैं, IMD एस्टैब्लिश हुआ था 1875 में, नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री, प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है जो इसके मैटर पे देखती है। और फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन होती है, फोरकास्ट प्रोटेक्ट करते हैं वेदर सेंसिटिव एरियाज जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, शिपिंग, एविएशन, ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन को इन्फॉर्म करते हैं, वार्निंग भेजते हैं बड़े सारे सीवियर वेदर फिनोमेना जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉर्वेस्टर्स, डस्ट स्टॉर्म्स, हैवी रेन फॉल्स, स्नो फॉल, ये जितने भी हीट वेव या कोल्ड वेव्स जो होती है जिसकी वजह से लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज होती है उनको बताती है और प्रोवाइड करती है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जैसे एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, ऑयल एक्सप्लोरेशन और बड़ी सारी चीज़ें। कंडक्ट करती है सर्वेज और रिसर्च जो कि इसमें रहती है अलाइड सर्विसेज में। इसके अलावा यहाँ पे आई फ्लो जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। ये रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कोऑर्डिनेट करा है म्यूनिसिपल कोऑपरेशन ग्रेटर मुंबई और उनने डेवलप करा है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम मुंबई के लिए, आई फ्लो मुंबई एक स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है जो मुंबई को इन्हांस करता है रेजिलेंस कि कभी भी कोई भी पॉसिबल जो फ्लड आएंगे इंडेशन 3 डेज में एडवांस में ही पहले बता देंगे अलॉन्ग विथ
इमीडिएट वाटर अपडेट्स ये प्रोवाइड करता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, ताकि पता चल सके कि कितना फ्लडिंग होगी अगर हाई रेनफॉल होती है तो। और ये इंक्लूड करेंगे रेनफॉल अलर्ट्स, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टाइड लेवल, स्टॉर्म सर्च और लो लाइंग एरियाज़ के लिए, और एंटिसिपेट करेंगे बड़ी सारी चीज़ें। बिल्ड है ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पे, जो कि सावन मॉड्यूलर पे रहता है। डेटा असिमिलेशन, फ्लड इंडेशन, वर्नेबिलिटी रिस्क, डिसमिनेशन मॉडल, GIS बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे वेदर मॉडल्स जो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसी चीज़ें हैं। इसके अलावा फील्ड डेटा जो है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ये रेन करता है गॉश नेटवर्क्स पे, सेटअप हुआ है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल म्यूनिसिपल कोऑपरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई और IMD के साथ। थीमेटिक लेयर्स आती है इसमें जो लैंड यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पर होता है। मुंबई सेकेंड है आफ्टर चेन्नई जिसको ये सिस्टम मिला है। सिमिलर सिस्टम जो है डेवलप हुआ है बेंगलुरु और कोलकाता में भी। ये सिस्टम सिग्निफिकेंट है एरिया जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता जो एक्सपीरियंस करते हैं अर्बन फ्लडिंग विद इंक्रीज प्रीडोसिटी। अर्बन फ्लडिंग का मतलब क्या है? अर्बन फ्लडिंग तब होती है जब प्रॉपर्टी इंडोनेट होती है या जो बिल्ड इन्वायरमेंट पर पर्टिकुलरली जो डेंसली पॉपुलर एरिया है वहाँ पे इंटेंसिव रेनफॉल होती है जिसकी वजह से ड्रेनेज भर जाता है पूरा। इसके अलावा यहाँ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है रूरल फ्लडिंग से, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से जो डेवलप कैचमेंट है वो इंक्रीज करते हैं फ्लड पीक 1.8 to 8 टाइम्स, और जो फ्लड वॉल्यूम्स है वो 6 टाइम्स पर बढ़ जाता है। इसकी वजह से फ्लडिंग जो है अक्कर होती है फास्टर और मिनट्स में हो जाती है काम। अर्बन फ्लडिंग के वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट होते हैं। पहले है डैमेज करता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिसकी वजह से आपका डिस्ट्रप्शन होता है ट्रांसपोर्ट और पावर पे। सेकेंड है लॉस ऑफ लाइफ। थर्ड है रिस्क ऑफ एपिडेमिक जिसकी वजह से बड़े सारे एक्सपोजर हुए हैं वाटर बॉर्न और वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन। फोर्थ है डिटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। फिफ्थ है इकोनॉमिक लॉसेस जो कि डिस्ट्रप्शन की वजह से हुआ है जो इंडस्ट्रियल एरियाज में होते हैं। सेकेंड लास्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो लो लाइंग एरियाज पर रहते हैं। लास्ट है आपका एक्सीडेंट ऑफ फायर जिसकी जो होते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से। फैक्टर्स समझ लेते हैं फैक्टर्स क्या क्या है जो इफेक्ट करते हैं। पहला है हैवी रेनफॉल, सेकेंड है साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, थर्ड है स्मॉल स्केल स्टॉर्म्स, फोर्थ है क्लाउड बर्स्ट, फिफ्थ है बर्स्टिंग ऑफ ग्लेशियर लेक्स। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रन ऑफ फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ वाटरशेड, सेकेंड है हाई टाइड इम्प्यूडिंग ड्रेनेज, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ इम्पर्वियस एंड इम्पेनेबल कवर, फोर्थ है हाई सॉइल मॉइस्चर लेवल, फिफ्थ है लो नेचुरल सरफेस इन्फिल्ट्रेशन रेट, फिफ्थ है एब्सेंस ऑफ ओवर बैंक फ्लो और चैनल नेटवर्क। इसके अलावा यहाँ पे आप ह्यूमन फैक्टर्स को देख लो, लैंड यूज चैनल चेंजेस जैसे होती हैं, सरफेस सीलिंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन डिफॉरेस्टेशन जो इंक्रीज करती है रन ऑफ सेडिमेंटेशन, सेकंड है इंक्रोचमेंट जो फ्लड प्लेन्स का होता है और ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो को, थर्ड है इनएफिशिएंसी जो नॉन मेंटेनेंस होती है फ्लड मैनेजमेंट की, फोर्थ है क्लाइमेट चेंज जो अफेक्ट करता है मैग्नीट्यूड और फ्रिक्वेंसी ऑफ पार्टिसिपेशन फ्लड्स जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग अर्बन माइक्रो क्लाइमेट जो होता है अर्बन हीट आइलैंड की वजह से। सेकेंड लास्ट है सडन रिलीज ऑफ वाटर जो डैम से होते हैं, और लास्ट है इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट जिसकी वजह से ब्लॉक्ड होती है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, 5.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको ट्राई करेंगे जितना कवर हो सकता है कर लेंगे। 5.4 है आपका फ्लड फ्लैश ड्रॉट्स। तो फ्लैश ड्रॉट्स के बारे में हम समझेंगे। रिसेंटली एक स्टडी हुआ है जिसमें ये आइडेंटिफाई हुआ है 39 फ्लैश फ्लड्स हुए हैं 1951 से लेकर 2018 तक, और इसमें पाया गया है कि 82% जो है वो मानसून सीजन में हुआ है। तो फ्लैश ड्रॉट्स क्या है? ये अनकन्वेंशनल ड्रॉट की तरह नहीं होते जो स्लोली आते हैं, फ्लैश ड्रॉट रैपिडली होते हैं और एकदम से होता है, हाई एवेपोरेशन होता है जिसकी वजह से जो बेसिकली जब हाई टेम्परेचर हो जाता है विंड्स और हाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है,
तो तीन फैक्टर की वजह से होते हैं, और ये एग्रीकल्चर ड्रॉट्स क्लासिफाइड हैं क्योंकि ये डायरेक्ट एसोसिएशन है सॉयल मॉइस्चर और क्रॉप स्ट्रेस पे। फ्लैश ड्रॉट्स जो हैं वो लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश की वजह से, जब बारिश नहीं होती ज़्यादा तब आ जाते हैं, या कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चार रीजन जो है यहाँ पे, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट सेंट्रल, ये फॉल होता है इस कोर मानसून जोन में, और ये विटनेस करते हैं मेजॉरिटी ऑफ फ्लैश ड्रॉट्स, प्राइमरी कॉज बाय मानसून ब्रेक, मतलब मानसून जब नहीं आता। इंक्रीज होता है एयर टेम्परेचर में, प्रेसिपिटेशन और बहुत ज़्यादा कम होती है यहाँ पे, डेफिशिएंट डेफिशिएंट होती है, मानसून नहीं होता इस टाइम पे, और रैपिड डिप्लीशन होता है सॉइल मॉइस्चर का, जिसकी वजह से फ्लैश ड्रॉट आते हैं। पेनिनसुलर रीजन और हिमालयन रीजन एक्सपीरियंस करते हैं फ्लैश ड्रॉट नॉन मानसून सीजन पे, क्योंकि प्रेसिपिटेशन कम होता है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और नॉर्थ ईस्ट मानसून होते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है फ्लैश ड्रॉट का, कि यहाँ पे जो ईल्ड है राइस एंड मेज का मानसून सीजन क्रॉप की कम होती है, और इरिगेशन ज़्यादा होता है, इरिगेशन वाटर डिमांड्स ज़्यादा करता है, कि पानी कम होने की वजह से पानी ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है थ्रू इरिगेशन, और ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ग्राउंड वाटर स्टोरेज को, क्योंकि ग्राउंड वाटर स्टोरेज कम हो जाता है। नेक्स्ट है, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स फ्लड्स जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुए थे इस साल भी, 2021 की बात कर रहा हूँ। अब न्यूज़ में क्यों है ये? यूजिंग रिमोट सेंसिंग डेटा, रिसर्चर्स जर्मनी से मैप कराए कि एवोल्यूशन जो है गाय ग्लेशियर लेक आउटबर्स फ्लड जो है 2014 में लद्दाख में हुआ है वो बताया गया है इसमें, और ये इस साल भी देखा गया है चमोली डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में हुआ था। रिपोर्ट्स जो है रिसर्चर्स ने मेंशन करा है GLFO, एक स्पिल ओवर नहीं था क्योंकि एवलांच ये या लैंडस्लाइड की वजह से रैर यहाँ पे जो आइस कवर्स हैं वो मोरिन हो गए हैं, जो ड्रेन हो गए हैं थ्रू सब सरफेस टनल। मोरिन एक अक्यूमुलेशन होती है अनकंसोलिडेटेड डिप्रीव्स की, समटाइम्स इसको बोला जाता है ग्लेशियल टिल, जो कि प्रीवियसली कैरिड आउट होते हैं ग्लेशियर या आइस शील्ड की वजह से। तो आप देख सकते हो ग्लेशियर यहाँ पे लैटरल मोरिन इधर है, लेक इधर है, और टर्मिनल मोरिन कॉम्प्लेक्स, ये कुछ इमेज है। तो यहाँ पे आप देखो कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बायोमेट्रिक स्टडीज हुई हैं जो एनालाइज करती है लेक वॉल्यूम और डायनेमिक्स को। ग्लेशियर लेक्स एंड GLOF, ग्लेशियर लेक आइस डैम्ड, मोरिन डैम्ड और बेडरॉक डैम्ड लेक्स होती हैं। ये लेक्स फॉर्म होती है जब वो ट्रैप होती है मेल्ट वाटर जो ग्लेशियर में होता है विद इन डैम स्ट्रक्चर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल जाते हैं, और ग्लेशियर पिघलने के बाद वो एक्सपैंड होते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, नंबर्स बढ़ जाते हैं, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा पिघल जाते हैं। इसके वजह से आउटबर्स्ट होता है। कैसे आउटबर्स्ट होता है? एक सडन रिलीज होती है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो कि ग्लेशियर लेक में होती है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज ये जो फॉर्मेशन होती है मोरिन डम्प्ड ग्लेशियर लेक्स या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये मेजर कंसर्न है हिमालयन स्टेट में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्टर्स जो हैं अच्छे से बताए गए हैं। इंक्रीज होता है वाटर इनफ्लो लेक में, सेकंड है अर्थक्वेक, और थर्ड है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जैसे मास टूरिज्म, डेवलपमेंट, इंटरवेंशन ऑफ रोड्स, प्रैक्टिस ऑफ स्लैश एंड बर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर, इसके वजह से भी ट्रिगर होते हैं ये। फोर्थ है रैपिड स्लोप मूवमेंट इनटू द लेक, फिफ्थ है लॉन्ग टर्म डैम डिग्रेडेशन, और लास्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ब्लैक कार्बन जो रिड्यूस करता है एल्बिडो। एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्टिंग इफेक्ट, जो कि हीट जब होता है सरफेस में उसको, जैसे मान लो सनलाइट आती है तो उसको रिफ्लेक्ट जो करता है वो एल्बिडो इफेक्ट होता है। ये पूछा गया था UPPCS 2019 में कि एल्बिडो का मतलब क्या है, तो इसलिए आपको मतलब भी पता होना
चाहिए। इसके अलावा लैंडस्लाइड के बारे में बात करने वाले हम, इसमें दो आई थिंक दो और बचे हैं, दो तीन और बचे हैं, उसके बाद ये कवर हो जाएगा। 5.9 तक है ये, और हम अभी पहुँचे हैं 5.6 पे, मतलब तीन और बचे हैं यहाँ पे। तो रिसेंटली अनयूजुअल हाई रेनफॉल हुई है और अनसाइंटिफिक लैंड यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से लैंडफॉल आया है। 2020 का न्यूज़ है। और टी स्टेट वर्कर्स में मुन्नार में, मुन्नार का है केरला में, इदुकी इदुकी डैम आपको याद होगा, जब केरला में फ्लड आया था तो इदुकी डैम ही बर्स्ट हुआ था। लैंडस्लाइड का मतलब क्या है, एक टाइप ऑफ मास वेस्टिंग होती है, जहाँ पे वो डिनोट करता है डाउन स्लोप मूवमेंट सॉइल और रॉक अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट होती है बारिश ज़्यादा होने की वजह से। और ये पांच मोड पे होता है, स्लोप पे जो होता है फॉल्स, टोपल, स्लाइड, स्प्रेड एंड फ्लोस। अगर बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये देखा है कि 0.42 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो कवर करता है 12.6 लैंड एरिया, वो प्रोन है लैंडस्लाइड हैजार्ड्स की वजह से। यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इसका फंक्शन ये है कि ये क्रिएट करता है, अपडेट करता है नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिनरल रिसोर्स असेसमेंट। सेटअप हुआ था 1851 में और ये फाइंड आउट करता है कोल डिपॉजिट रेलवे का। प्रेजेंटली अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, GSI का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो ये हेडक्वार्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप मैप पे भी देख सकते हो कि लैंडस्लाइड जोन्स क्या है। वेरी हाई हजार्ड जो है हिमालयन पे मिल जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और भी दिख जाएगा जो कलर है, देख सकते हो दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमालय, ये सब में। कॉजेस क्या है, वाटर फ्लडिंग, अर्थक्वेक, थर्ड है वाइल्ड फायर, डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा वाइल्ड फायर, डिफॉरेस्टेशन, जब पेड़ ही नहीं आएंगे तो पानी एकदम से आएगा, उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाएगी। फोर्थ है एक्सटर्नल लोड, जैसे बिल्डिंग, रिजर्वायर, हाईवे, ट्रैफिक। फिफ्थ है अक्यूमुलेशन ऑफ एलुवियम वन ऑन स्लोप्स, ये सारे रीजंस हैं। बहुत ही शॉर्ट था, आप देख सकते हो उसको। फॉरेस्ट फायर के बारे में बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट फायर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने क्लासीफाई करा है कि कोई भी मेजर फॉरेस्ट फायर ब्रेकआउट नहीं हुआ है उत्तराखंड में। ये न्यूज़ है जो कि अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे न्यूज़ में और क्या है, ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि ये मेन से पूछा गया था 2020 में, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का। उसमें ये बताया कि 30,000 से ज़्यादा इंसिडेंट हुआ है फॉरेस्ट फायर का 2019 में। इसमें हाफ ऑफ इंडिया फॉरेस्ट जो है फायर से प्रोन था, 43% जो फायर प्रोन से वो ओकेजनल फायर्स पे थे, 5% जो है फ्रीक्वेंट फायर्स पे थे, 1% वेरी हाई और या वेरी हाई रिस्क पे थे। इसके अलावा कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर में आप देखो तो दो तरह से होता है, एक नेचुरल होता है जिसमें लाइटनिंग, हाई एटमोसफेयर टेम्परेचर, ड्राइनेस, स्पॉन्टेनियस कम्बक्शन ऑफ ड्राई फ्यूल होता है, और एंथ्रोपोजेनिक होता है जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, फायर्स जो विलेजेस यूज़ करते हैं ताकि वो वाइल्ड एनिमल को हटाएं या रिक्रिएशन के लिए। इम्पैक्ट क्या होता है, फ्लोरा और फौना पे इम्पैक्ट आता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, स्प्रेडिंग ऑफ वीड्स होते हैं, सॉइल इरोजन, रीजनरेशन होता है, लॉस ऑफ रीजनरेशन और लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें हो जाती हैं फॉरेस्ट फायर की वजह से। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट फॉरेस्ट फायर जो एरियाज हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री में है। स्टेप्स क्या लिए गए हैं, मॉनिटरिंग थ्रू सैटेलाइट से नासा की मॉडिस है, मॉडरेट रिजोल्यूशन। इसके अलावा यहाँ पे मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग, नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018 और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैप पे फॉरेस्ट फायर प्रोन एरियाज इंडिया में। नेक्स्ट है आपका हीट वेव्स। हीट वेव्स इशू, IMD ने इशू कराया है रेड और ऑरेंज वार्निंग हीट वेव्स का वेरियस स्टेट्स पे। हीट वेव एक पीरियोडिक अबनॉर्मल हाई टेम्परेचर होता है जो अकर होता है मार्च से जून के बीच में, कभी कभार जुलाई तक जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई करा है हीट वेव को, जब डेली मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 5 डिग्री मतलब ज़्यादा होगा 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज जो एक्सीड करेगा एवरेज टेम्परेचर से 5 डिग्री तक ज़्यादा। जैसे मान लो 30 डिग्री अगर चल रहा है और
जो एवरेज रहता है मैक्सिमम उसका 30 डिग्री रहता है, लेकिन वो 36, 37, 35 तक जा रहा है, तो वो हीट वेव कंसिडर करा जाता है नॉर्मल पीरियड जो देखा गया है। और ये देखा गया है 1961 से लेकिन 1990 तक। कॉजेस क्या है? प्री मानसून सीजन जो है एलिनो इफेक्ट के वजह से हो जाता है। सेकंड है हॉट एंड ड्राई जो विंड्स हैं वो मूव करते हैं, जैसे लू भी बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट से। हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या है? डिहाइड्रेशन, हेल्थ क्रैम्प्स और हेल्थ एग्जॉशन, ये सारी चीज़ें होती है। आईएमडी ने इशू करा है कलर कोडेड वार्निंग, और डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी है वाटर सिस्टम की, और असेंडिंग ऑर्डर पे रहता है ये वार्निंग। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को रेडी रखने के लिए होती है ताकि वो हैंडल करे सिचुएशन को। आईएमडी का क्राइटेरिया क्या है हीट वेव का, ये समझ लेते हैं। पहला है प्लेन्स और हिली एरियाज हीट वेव कंसिडर करा जाता है अगर मैक्सिमम टेम्परेचर जो ये हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं और नॉर्मल प्लेन्स की भी बात कर रहे हैं और कोस्टल रीजन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल मतलब प्लेन की बात करें तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा है, मतलब 40 से 45 तक जा रहा है, तो फिर वो आपका हीट वेव में कंसिडर हो जाता है। अगर हिल स्टेशन की बात करें तो 30 डिग्री से अगर वो ज़्यादा जाता है तो कंसिडर हो जाता है हीट वेव्स। अगर जो क्राइटेरिया अगर मेट हो रहे हैं एटलीस्ट टू स्टेशन मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन में और टू कॉन्सिक्यूटिव डेज में, हीट वेव डिक्लेयर होगी सेकेंड डे पे, ठीक है। इसी के अंडर दो पार्ट है बेस्ड ऑन डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर से अगर डिपार्चर हो, हीट वेव अगर डिपार्चर होती है नॉर्मली 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री तक, तो हीट वेव कराती है। लेकिन अगर वो सीवियर तब आ जाएगी जब वो 6.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाती है, ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर से डिपार्चर। अगर बात करें एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर, तो हीट वेव अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो वो करी जाती है, और सीवियर तब आ जाता है जब 47 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है। कोस्टल रीजन मतलब जहाँ पे जैसे मुंबई कोस्टल रीजन है, वहाँ पे जब मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर होता है 4.5 डिग्री से या उससे ज़्यादा, तो हीट वेव होती है वहाँ पे, और ये प्रोवाइड होती है एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर मतलब बात करें एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर तो 37 डिग्री से ज़्यादा हो तो वहाँ पे हीट वेव कंसिडर करी जाती है। लास्ट जो न्यूज़ है इसके बाद ये पार्ट है इस न्यूज़ का, वो हम आ चुके हैं। 5.9 कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एड्रेस करा एक इवेंट CDRI का। CDRI एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप नेशनल गवर्नमेंट UN एजेंसी प्रोग्राम है। मल्टी लैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल मैकेनिज्म, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक नॉलेजेबल इंस्टीट्यूट, ये अनाउंस हुआ था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का। ये मतलब इसका जो एम है प्रमोट करता है रेजिलियंस ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क पर रहता है, देवा इंश्योर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग है, जैसे डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी सपोर्ट। सेकेंड है इनोवेशन इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस। थर्ड है स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन। रिसर्च एंड नॉलेजेबल मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट है कोलैबोरेटिव रिसर्च, सेकेंड है ग्लोबल फ्लैगशिप रिपोर्ट, थर्ड है ग्लोबल डेटाबेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर या सेक्टर रेजिलेंसी होती है, लास्ट है एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप ग्लोबल इवेंट्स या इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, सेकेंड है मार्केट प्लेस जो नॉलेजेबल फाइनेंसिंग की बात करते हैं, थर्ड है डिसमिनेट करते हैं नॉलेजेबल प्रोडक्ट्स का। इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होती है, तो ये 5th लेक्चर ख़त्म हो गया पूरा, अब इसके बाद 6th लेक्चर आएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।